हमारे जैसे जो देसी लोग होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता, ये मत डालना। तो मैं थोड़ा सा ये कह रही हूँ ब्लॉग में नहीं डालना। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम आए हैं क्राउन प्लाजा में। बेसिकली आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और हम बुफे ही लेंगे। ऑल दो मैंने अभी मेन्यू चेक किया था, बुफे के अंदर ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तीन चार ही स्टार्टर्स है, तीन चार ही मेन कोर्स में है और ये एम्बियंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। एम्बियंस मुझे अच्छा लगा है यहाँ का। और हमारा डुग्गी बच्चा बाहर पहली बार आया है। डुग्गी आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है डुग्गी आपको? नो कमेंट्स है डुग्गी, बता दो डुग्गी, जनता जानना चाहती है। तो इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हम ये अकेले और 8:30 का टाइम हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग होंगे, शायद वायरस के चक्कर में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारा स्टार्टर आ गया है, पहली स्नैक आई है हमारी। क्या भैया? भल्ला पापड़ी चाट। तो भल्ले पापड़ी आई है, खा के देखते हैं। ऑल दो मैं भल्ले नहीं खाता हूँ। हाँ, ये चिकन टिक्का आया है, फिश फिंगर। ये फिश फिंगर है, फिश फिंगर थोड़ा तेज रखना हमारे लिए। फिश फिंगर आई है, टाटर सॉस। और ये टाटर सॉस है, मैडम को भी दे दीजिए। और आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए कितने प्रिकॉशंस रखे हुए हैं इन्होंने। सिवरन कैसा लग रहा है भल्ले पापड़ी? अच्छा है, बढ़िया है, उम्मीद से बढ़िया है। ये जैसे होता है ना, वैसे ये नॉर्मल ही है, कुछ स्पेशल नहीं। और डुग्गी आपको कैसा लग रहा है? चलिए भल्ले पापड़ी खा के देखते हैं। ऑल दो मैं भल्ले नहीं खाता हूँ, मेरी माँ वीडियो देखेगी तो बोलेगी कभी जिंदगी में तो घर पे भल्ले खाए नहीं, बाहर के खा रहा है। भल्ले इज गुड, जो ऊपर मसाला डाल रखा है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। पापड़ी नहीं दिखाई दे रही मेरे को, क्रंची बना ख़त्म हो चुका है पापड़ी का। वेरी गुड, फिश फिंगर खा के देखते हैं। सिमरन की हरी चटनी लगा लेते हैं, टाटर सॉस लगा लेते हैं। फिश इज ऑल्सो गुड, थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती थी मेरे हिसाब से। कभी आपको एक और जगह हम विजिट कराएंगे, वहाँ की फिश इज वे बेटर बुफे की टर्म में। चिली चिकन आ गया भाई हमारा। थैंक यू। सिमरन बेचारी लगी पड़ी है दूध पिलाने में, कुछ नहीं मिला सिमरन को खाने के लिए। खा रही हूँ। तो चलिए चिल्ली चिकन खा के देखते हैं अब। चिल्ली चिकन इज वाओ, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चिल्ली चिकन। अरे वाह, गोलगप्पे भी आ गए हमारे पास, खट्टा पानी है, मीठा पानी है, अंदर फील्ड है, पहले से प्री फील्ड है। थैंक यू भैया, मैं फिश फिंगर रिपीट कर दे रहा हूँ। थैंक यू। तो चलिए अब खाते हैं अपन अपना चिकन। चिकन इज सॉफ्ट, जूसी और ठीक है, मतलब मैं नेक्स्ट लेवल भी नहीं कहूँगा पर मैं बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा। चिल्ली चिकन अभी तक का सबसे बेस्ट था। भल्ले पापड़ी भी नो डाउट बहुत अच्छी थी, मतलब सेटिस्फाई किया भल्ले पापड़ी में। हम यहाँ पे हर चीज़ खाएंगे, हर चीज़ का लुक तो लेंगे और ओ कम करेंगे। चिली चिकन कैसा लग रहा है? अच्छा, तेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। हॉस्पिटैलिटी के अलावा खाने का टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अभी तक बेस्ट क्या लगा? चिली चिकन। और ये कैसा फिश, कैसे टेस्टी है? और फिश भी अच्छी है, भी अच्छा चिकन भी अच्छा है। गोलगप्पे खाएंगे अभी? अभी खाते हैं फिश। चिकन के साथ में गोलगप्पे कौन खाता है? कोई नहीं, है ना। तो चलिए अब गोलगप्पे खाते हैं। बहुत ये है भाई अपना मीठे पानी वाला। जी सर। नहीं, मैं कैमरे पे बोल रहा था। हाँ डाल दो।
गोलगप्पे में मेरे हिसाब से जो स्पाइसी पानी वाला है वो बहुत अच्छा है। पुदीना का एकदम दबा के फ्लेवर आ रहा है, मतलब फ्लेवर आ रहा है। जो ऊपर का जो शेल है वो बेटर हो सकता था, और मीठा पानी थोड़ा ज़्यादा मीठा है, बट इज़ गुड। पर जो उसका पानी खट्टा पानी है वो बहुत ही बढ़िया है। तेरा कैसा रिव्यू है? खट्टा पानी बहुत बढ़िया। देखिए, बच्चे को लाने का क्या फ़ायदा होता है, आप खाते कम हो, सेटिस्फाइड रहते हो कि आपका बच्चा आपके पास है और आप चैन से खा पाते। अच्छा, ये फायदा। और आप चिल्ली चिकन नहीं खा पाते, आपका पति सारा चिल्ली चिकन निपटा देता है। कोई बात नहीं, एनिवर्सरी है, पति मेरा देवता मैं देवता हूँ। तो भाई मैंने फ़िश रिपीट कराई है क्योंकि मुझे फ़िश पसंद है, साथ में चिकन आया है। सिमरन को चिल्ली चिकन चाहिए तो चिल्ली चिकन का वेट चल रहा है, और सिमरन की शक्ल देखो कितनी खुशी वाली है। क्यों? क्योंकि डुगी सो चुकी है। और मेरे पास है। और तेरे पास भी है ना, तो मज़ा आ रहा है। अभी आएगा। क्यों? अभी तो पार्टी शुरू है। अभी तो पार्टी शुरू ही है। अब तो एनिवर्सरी पर। अच्छा, तेरे को कैंडल लाइट डिनर करना था ना, येलो लाइट डिनर। ये देख, यहाँ कैंडलें जल रही है, कितनी सारी, कितनी सारी कैंडलें यहाँ पे। हाँ, मेरा गिफ्ट। तेरा गिफ्ट अभी आएगा रास्ते में। हाँ हाँ, रास्ते में करेंगे, आ रहे हैं अभी 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 आए। ओए लल्लन भैया, इधर आइए, गिफ्ट दीजिए मैडम को। देखिए आपका गिफ्ट आ गया। हाँ ना, तो भाई ऑलमोस्ट हमको शायद 15-20 मिनट हो चुके हैं हम खाने का वेट कर रहे हैं। सिमरन थक चुकी है खाने का वेट कर करके। कब तक आएगा सिमरन का खाना? कब आएगा सिमरन? बना रहा है उसमें। भैया जी बना दो, जल्दी से जल्दी भेज दो, सिमरन भूखी रह गई है। नहीं, तो यार मेरे हिसाब से जनरली थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग टाइम ज़्यादा है। ऑल दो शायद ये हो सकता है कि आपके लिए एकदम फ्रेशली प्रिपेयर होके सारी चीज़ें आ रही है, जैसे बारबेक्यू नेशन में होता है पहले से ही बना होता है, बस वो पता बजा करके इकोनॉमीज और स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, शायद आपके लिए स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे कोई भी नहीं है, अंदर कोई भी नहीं है, तो हमारे लिए स्पेसिफिक बन रहा है, जो हमको चाहिए वो चीज़ें बन रही है। तो अभी मैंने सूप मंगा रखा है क्योंकि अभी खा लिया हमने, थोड़ा सा सूप मार के एडजस्ट करते हैं, उसके बाद मंगाइए पिज्ज़ा। यहाँ बारबेक्यू नेशन की स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। यहाँ नहीं चलेगी बारबेक्यू नेशन? क्यों? मूवी रह जाएगी। क्यों नहीं चलेगी? अभी तक हमारा मुंह बंद होता है, बारबेक्यू नेशन में होता है। अच्छा यार, सुबह आ गया मेरा। तो सिमरन, तो सिमरन, इसको चिकन मनचाऊ सूप क्यों कहते हैं? मनचाऊ होता है, मन चाहे इंग्रेडिएंट से बनता है ना, मन चाहे। अच्छा, जो मन करे वो डाल दो। मन चाहे। अच्छा, चाहे नहीं बोल सकते ना, चाहे चाऊ चाऊ। अच्छा, मनचाऊ, मनचाऊ सूप। अभी एक फैमिली आई थी, हमारे बाद आई थी, हमसे पहले निपट के चली गई, और तो उनको ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा खाया नहीं है, बस नॉर्मल छुआ है। अब हाँ, ये भी हो सकता है बूफे में ना आए हो, ला काटे करके निकल लियो, हम बूफे वाले थे, मुझे भूख की तरह खाना है। उससे मैंने फूक मार के सूप पी लिया। ठीक है, दिखा सकते हैं सूप कैसा लगा। अच्छा, तो भाई सूप इज़ गुड, स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे लिए भी स्पाइसी है, मतलब मज़ा आ गया। अच्छा है, सूप इज़ गुड, वेरी गुड, मतलब टेस्ट बर्ड्स खुल गए हैं, अब दबा के हम बहुत कुछ खा सकते हैं। चाउमीन आ गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छी है चाउमीन, क्रंची क्रंची अच्छी लगती है। अच्छा, तो भाई हमारा पनीर टिक्का भी आ गया। हंस क्यों रही है तू? देखो शर्म किस पे आ गई, लोग आ गए इधर आसपास, इसलिए लाइट लाइट के अंदर है। इन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी तो पूछा, ये हमको जानते नहीं है, कभी हमारी सच्चाई नहीं जानते लोग, पानी भी थे हमारे, वरना हमको बाहर से बका देते। देखो लगता है क्या, अगर हम ऐसा कुछ कांड करें जोमेटो से बुकिंग कर दिए तो जोमेटो वाले हमको बैन कर देंगे। कर तो चुके हम। बारबेक्यू नेशन में सिमरन को घुसने नहीं देते, वहाँ फोटो लगा रखी है सिमरन की कि सिमरन इज नॉट अलाउड। तो चलिए एक बार पनीर टिक्का खा लेते। ईमानदारी की बात यह है कि मैं सूप पी चुका था, मसाले बहुत हाई थे, इसका फ्लेवर बहुत ही नीचे है, तो मैं सोच चुका मैं कुछ नहीं पता लग रहा,
पनीर की सॉफ्टनेस पता लग रही है और पता लग रहा है कुछ ना कुछ फ्लेवर है, तो जो नए फ्लेवर्स आ रहे हैं उसका फ्लेवर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। सिमरन बताइए आगे। पहले प्यूँ भाई, पहले ये प्यूँ पनीर का सॉफ्ट है। फीका फीका सा लग रहा है ना, क्योंकि हम ये पी चुके हैं। शायद चटनी के साथ अच्छा लगा। हाँ शायद हरी चटनी के साथ अच्छा लगा, सही पकड़ा है सर उन्होंने, एकदम बढ़िया तरीका पकड़ा। पता है मैं भी ठुंगा मार के देखता हूँ, मैं खा के देखता हूँ। बेटर ना हो ना, बट ठीक है। हाँ मेरे को ठीक लगा, पनीर सॉफ्ट है, इससे बेटर पनीर टिक्के खाए हमने। हाँ सही बात है, ये ओके ओके। कभी कभी हम वेज नहीं खाते ना, पता है पूछते क्यों हम। जैसे इन्होंने पापड़ दे रखे हैं हमको, क्यों दे रखे हैं पापड़ ऐसे? इसका मतलब पता क्या है सिमरन? हमको पता नहीं है वैसे ना, ये इसलिए है जैसे हमने मंचा उगाया। अच्छा, आप पापड़ खाओ, न्यूट्रलाइज करो, उसके बाद वो खा के। हमारे जैसे देसी लोग होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता, घी मत डालना। तो मैं थोड़ा सा ये कह रही है ब्लॉग में नहीं डालना। ये कॉफ़ी पीने वाला सीन है, पापड़ खाओ, मुँह का टेस्ट न्यूट्रलाइज करो और अब खाओ पनीर टिक्का, ज़्यादा वर्क नहीं पड़ा है हमको। फिर से अगेन आधा घंटा हो चुका है वेट करते करते, अभी तक हमारा कुछ नहीं आया। हम वेट कर रहे हैं पिज्ज़ा आने का। सिमरन कह रही है ठीक है, अच्छी बात है, माल नीचे जा रहा है, जगह बन रही है। बारबी क्रिएशन की यादें आ रही है तेरे को? नहीं नहीं कर ले, यहाँ पर भी बना करते हैं। यहाँ पर फिर से कहते स्नैक्स वापसी ले आओ, तो जगह बन गई, अपने लेट कर दिया। वहाँ पे दोबारा नहीं होगा, वहाँ पे एक स्नैक तो तूने 8-9 बार रिपीट करवाया है। गिनते हो? और क्या, वहाँ पे इसने एक एक स्नैक को 8-9 बार रिपीट कराया कम से कम, और अब यहाँ बोल रहे हैं मैं तो करते ही नहीं। और ये हमारा डुग्गा उठ गया। डुग्गा कैसा लग रहा है? दिखाई मैंने कहा दुनिया वाले देखना चाहते हैं इसको। डुग्गा स्पाइडर मैन है, तू स्पाइडर मैन है? इसको नहीं पसंद है। हाँ इसको कैमरा पसंद नहीं है, अभी नहीं है। हमारा डुगा कैमरा शाही है, वैसे कैमरा शाही नहीं है, इसको कैमरा देर दिखता है ना, ऐसा हो जाता है। तो भाई टेबल साफ हो रही है, जगह खाली हो रही है। दुग्गा 4 बोतल। देखो हमारा दुग्गा, हमारा दुग्गा मम्मी पोज मार रही है। तो दुग्गी और पापा यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। दुग्गी लेता थक जाता है, तो इसलिए हम उसको घुमाने के लिए बाहर ले आते हैं। आओ थोड़ा थोड़ा देखो, ऐसे घूमो। ओहो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये देखो दुग्गी की एक्सप्रेशन। ये का है, ये देखिए, ये सबसे कॉमन चीज़ है। एज अ पेरेंट जो आप देखोगे, बच्चे हर जगह पे अपनी जुराबे गिराते फिरते रहते हैं। ये देखो नंगे पैर घूम रहा हमारा बच्चा, ऐसे जुराबे गिरा देगा। ओए ओए बच गया मेरा बच्चा, बच गया, बच गया। तो भाई हमारा पिज्ज़ा आ गया है और डुग्गी भी खाना खा रहा है, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, साथ में उनको ओरिगैनो चिली फ्लेक्स और केचप मिली है। चलिए खाते हैं फिर बताते हैं। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है, और क्रिस्पी भी अच्छा खासा लग रहा है।
खा के बताता हूँ कैसा लगा। और सिमरन इसी चीज़ में लगी रही है, सिमरन बेचारी भूखी रह गई है। सिमरन कह रही है मैं घर जाके खाना खाऊंगी। सिमरन कह रही है मेरा पेट नहीं भर रहा, मेरे बच्चे का पेट भर जाए बस मैं उसी में खुश हूँ, है ना। तो चलिए अब मैं पिज्ज़ा खा के देखता हूँ। स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है, खुशबू तो ज़बरदस्त है। मतलब मैं ये वो चीज़ नहीं कहूँगा डोमिनोज वोमिनोज वाली, यहाँ पे एक एक फ्लेवर उठ के आ रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि इसका फ्लेवर कैसा है। बहुत ही प्रीमियम चीज़ लग रही है, ऊपर जो ऑयल वॉयल डाल रखे है वो फ्लेवर दे रहे हैं। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, अंदर चीज़ भी भर के नहीं डाल रखी फिर भी फ्लेवर आ रहा है। क्रस्ट पतला है और फिर भी सॉफ्ट है, और साथ में क्रिस्पी भी है। पता नहीं कैसा है, मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट है सब कुछ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सिमरन को देखते हैं, क्योंकि सिमरन को पिज्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सिमरन मेरी कई बार इस बात पे लड़ाई हुई है कि मेरे को ये वाला खाना है, मेरे को ये खाना है। सिमरन बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है अपने पिज्ज़ा को लेकर। देखते हैं, बताइए मैडम खा के बताइए। कैसा सिमरन? जो मैंने बोला था उसी टाइप का है ना, बता नहीं सकते ना कि क्या है। ये बस बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है ना, किसी भी स्टोर की जैसा नहीं है। खाते हैं ना, हाँ, अलग ही कैटेगरी का। अच्छा, मेरे हिसाब से भी बहुत ही अच्छा पिज्ज़ा है, किसी स्टोर से कंपेयर नहीं कर सकते। सेटिस्फाइंग था ये। अब मैं पास्ता भी मंगाऊंगा। तो ये हमारा रेड सॉस पास्ता आ गया। पिज्जा पे जो आपने ऑयल डाला था वो कौन सा था? ऑलिव ऑयल था। ऑलिव ऑयल था, हाँ, ठीक कहा था ना, ऑयल है बटर नहीं है। तो भाई पिज्जा ने तो मेरे को बहुत सेटिस्फाई किया। अब पास्ता खा के देखते हैं, क्या पता इटालियन वाला बंदा एक ही हो। खा के देखते हैं कैसा लगता है। वाइट सॉस आ रहा है, रेड सॉस खा के देखते हैं। ऑल दो मुझे वाइट सॉस ज़्यादा पसंद है, रेड सॉस कम पसंद है। ये आ गया भाई हमारा वाइट सॉस पास्ता। बस बस थैंक यू, चलिए अब खा के देखते हैं। मेरे को घर जाना है। अभी तुमने कुछ खाया भी नहीं है। पिज्ज़ा बहुत हैवी था। अगर देखा जाए पिज्ज़ा बहुत लाइट लग रहा था, पर उतना लाइट था नहीं है, बहुत ही हैवी था। तो थिन क्रस्ट था और मुझे को नहीं पता कि इतना पेट हैवी कैसे कर गया। तो भाई मैंने पास्ता दोनों के दोनों टेस्ट करके देखे। रेड सॉस पास्ता इज़ गुड, अच्छा लगा मुझे। और मुझे उतना अच्छा नहीं लगता पर ठीक था, गुड है। मतलब टमाटर का टेस्ट अच्छा खासा आ रहा है, टाटरी फ्लेवर आ रहा है। वाइट सॉस पास्ता मुझे नहीं अच्छा लगा, जेन्युइनली मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस हिसाब से पिज्ज़ा था ना, मतलब मैंने वन ऑफ द बेस्ट पिज्ज़ा खाया होगा यहाँ पे, पर पास्ता के अंदर मुझे नहीं बताया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है सिमरन इससे ऑलमोस्ट डबल टाइम्स अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा पास्ता बनाती है। वाइट सॉस पास्ता का भी आपको सिमरन का दिखाऊंगा कि वो कैसा बनाती है, बहुत बढ़िया। हम बैंगलोर गए थे, मेरा रेडियो सिटी में इंटरव्यू था एक, तो वहाँ पे पास्ता खाया था हमने। नाम क्या था उसका जगह का? सेंट मार्क्स होटल के पास में था ना जगह का नाम क्या था? जगह का नाम था ट्रफल, ट्रफल हाउस है ना। तो उसका नाम था ट्रफल हाउस, मेरे हिसाब से ट्रफल या ट्रफल हाउस करके था। उसका वाइट सॉस पास्ता वॉज अमेजिंग, मज़ा आ गया था मतलब। और उसके बाद हमने घर पे आके उसी टाइप का फ्लेवर री इन्वेट करने की कोशिश करी और हमने ऑलमोस्ट बना लिया। साथ में गार्लिक ब्रेड खाते हुए कोई मज़ा आया था। तो इस पर मैं थोड़ी सीजनिंग डाल के खा के देखता हूँ, क्या पता वाइट सॉस सीजनिंग डाल के थोड़ा बेटर होता है। सिमर वाइट सॉस पास्ता कैसा लगा ईमानदारी से? बहुत बेकार है। कितना बेकार? मतलब क्या लेवल देगी? माइनस 80 डिग्री है। अब फाइजर वैक्सीन इसके अंदर प्रिजर्व करी जा सकती है आराम से, इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, नहीं खाया जाना ना वाइट सॉस को, खाने लायक भी नहीं लग रहा। ठीक भी नहीं है, कोई फ्लेवर ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दूध डाल दिया, पास्ता डाल दिया और दे दिया।
ना इसमें नमक है ना इसमें काली मिर्च है। अब मेरे को नहीं पता कि ऐसा ऑथेंटिक फ्लेवर उसका नहीं होता, पर मैंने जितने भी आज तक खाए हैं वाइट सॉस पास्ता सबका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इससे रेड सॉस इज गुड ना, कभी पसंद नहीं था रेड सॉस मुझे, मेरे को भी नहीं पसंद था, पर रेड सॉस ठीक है कंपैरिजन वाइज। मज़ा नहीं आया पास्ता में, पिज़्ज़ा खा ले, पिज़्ज़ा खा के टेस्ट बुला लिया, बहुत बढ़िया। अब तो मेन कोर्स खाएगी सीधा, मुझे घर जाना, फिर घर जाके फिर खाएगी, घर जाके खाना खाएगी, ये पैक हो सकता है, पूछिए बुलाता उसको धक्के मार के निकालते हैं। ब्रीफ कर जरा, बटर चिकन ठीक है, रायता, दाल मखनी, पनीर, मटन, ये मटन रोगो जो है जी ठीक है, और ये फिर रिपीट है या सर चिकन, ये राइस हो गए, बटर नान लच्छा था, ये बटर नान लच्छा ठीक है ठीक है। अब ये सब छोड़ा है उसने। तो भाई अगर मैं रोटी की बात करके चलूँ तो रोटी क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है, जो मैंने चीज़ पिज़्ज़ा के साथ बोली थी सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, एकदम मक्खन डाल रखा है इन्होंने और क्रिस्पी भी कर रखी है, तो रोटी सूख भी नहीं रही है, क्रिस्पी भी रह रही है और जूसी भी लग रही है। सबसे पहले हम खा के देखते हैं दाल, मैंने दाल बुखारा भी खाई है, खा के देखते हैं दाल मखनी कैसी है। दाल इज ओके, मैंने इससे कई गुना बेटर दाल खाई है, दाल इज ओके 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 ओके, नान इज वेरी गुड, पनीर देखते हैं, पनीर इज गुड, पनीर अच्छा है, बटर चिकन उठाते हैं, बटर चिकन का एक पीस निकाला मैंने, बोनलेस है, चिकन सॉफ्ट है, आउटस्टैंडिंग बटर चिकन, आउटस्टैंडिंग है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बचपन में खाया था ऐसा बटर चिकन, जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया मैंने बटर चिकन इस टाइप का खाया ही नहीं, बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा बटर चिकन खाया, आउटस्टैंडिंग। ऑल तो ये बात भी है मैं बटर चिकन ज़्यादा खाता नहीं हूँ क्योंकि क्योंकि आजकल उतने अच्छे बटर चिकन आते नहीं है, पर ये बटर चिकन इज़ वेरी गुड, मज़ा आ गया। तो चलिए मटन रोगन खा के देखते हैं, मैंने नली वाला पीस लिया है, मटन बहुत ही बढ़िया गला हुआ है, बहुत ही बढ़िया गला हुआ है, खा के देखते हैं। मटन भी बहुत बढ़िया, प्रॉपर गला हुआ है, प्रॉपर टेस्ट है, बहुत बढ़िया मटन है, मतलब दाल बिलो एवरेज थी, पनीर एवरेज था, बटर चिकन आउटस्टैंडिंग था, मटन रोगन जोश भी बहुत बढ़िया था, आउटस्टैंडिंग नहीं कहूँगा पर बहुत अच्छा था, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं कहूँगा। और ये चावल है, चावल आप देख सकते हैं ठीक ठाक ही है, बहुत लंबे भी नहीं है, बासमती टाइप्स भी नहीं है, पर ठीक ठाक है। रायता मैं खाता नहीं तो रायता सिमरन खा के बताएगी कैसा है रायता। सिमरन कैसा रिव्यू रहा तेरा खाने का, कैसा लगा तेरे को? चारों आइटम्स को लाइन से बता क्या क्या कैसा कैसा लगा।
दोबारा से बताओ। वन मटन। मटन मटन बहुत बढ़िया ना, बाद में भी फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा। फिर टू बटर चिकन दाल अच्छी लगी, देखो मेरे को नहीं अच्छी लगी। फिर पनीर देखो नहीं अच्छा लगा, रायता भी खा के देखो, रायता भी खा के बता दे कैसा रायता, क्योंकि तू रायता खाती है, मैं रायता नहीं खाता। जनता तेरे से पूछ रही है कि रायता कैसा लगा आपको, और चावल कैसे है? चावल चावल जैसे तो नहीं लगता, चावल थोड़े छोटे हैं। अच्छी है, चलो ठीक है। अब हमारा स्वीट डिश आएगा, अब हम स्वीट डिश देखते हैं कैसी आती है। सिमरन देख वहाँ पे रणवीर बरारा बैठा हुआ, वो देखो रणवीर बरार। मैं मेरा दुग्गा दुग्गा बरार दुग्गा बरार। सिमरन को पूरा नली वाला पीस मिला, पूरा नली का पीस निकाला सिमरन ने। तो भाई स्वीट डिश में हमारे पास एक तो ये आया है ब्राउनी के साथ में आइसक्रीम। मैंने थोड़ा इसको मेल्ट होने दिया, मैं थोड़ा सा डुग्गी को घुमा रहा था क्योंकि डुग्गी को भूख लग रही थी। और उसके बाद ये आया है हमारे पास में रसमलाई, साथ में आया गुलाब जामुन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये हमारे लिए एनिवर्सरी के लिए आया है, थैंक यू भैया। हाँ कह रहे मैं भी काटूँगा प्लीज। थैंक यू पहले बोल सर, ये बंद हो गया, कोई दिक्कत चल रहा है, पावर सेविंग। भाई चॉकलेट ब्राउनी निपटा दी है, ये भी टेस्ट करिए, ठीक ठाक है, एवरेज है, आउटस्टैंडिंग नहीं कहूँगा, पर इसमें आउटस्टैंडिंग वाली कोई चीज़ कभी भी नहीं होती है, ये हमेशा ही ऐसी होती है। सिमरन मेरे को समझा रही है कि आउटस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डिलीशियस होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने को। मेरे को पता है डिलीशियस बोलते हैं, पर हम तो आउटस्टैंडिंग ही बोलेंगे, हम तो ओहो ओहो बोलेंगे, हम तो जैसे हम जैसे ऐसे गुलाब जामुन लेंगे चाहे कैसा भी हो। नहीं आने ये आया है गुलाब जामुन, ऐसे क्या उंदा उंदा ठीक ठाक है। मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, स्वीट डिश के अंदर बार्बिक नेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बुफे के अंदर चाहे कहीं के भी उठा लो। स्नैक्स मैं बोलूँगा यहाँ की क्वालिटी वॉज वे बेटर, मेन कोर्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वे बेटर थी, सेटिस्फैक्टरी लग रहा है अभी खाने के बाद भी। हम कुछ 8 बजे के आसपास आए थे और इस टाइम 12 बनने वाले हैं, गलती हमारी नहीं है, मतलब हमने उतना ज़्यादा नहीं खाया, पर कहानी ये है कि इन्होंने सर्विंग में बहुत ज़्यादा डिले किया है, आधा आधा घंटे का गैप ला रहा है एक एक चीज़ के अंदर। शायद वो इनका स्ट्रैटेजिक हो, शायद वो एकदम बना के ला रहे हैं इसलिए बनाया। पेट कुछ ज़्यादा ही हमारा ओवरलोड हो चुका है, खा लिया ऑल्दो मेरे सब कुछ, सिमन करिए अब तो मेरी देखने की हालत नहीं रह गई है। कैसा लग रहा है? मुझे घर जाना है। फिर से? मुझे घर जाना है। तो मैंने चेक मंगवा लिया, बिल आने वाला है, तब तक मैं हलवा खा लूँ। मैं हलवा मंगाया था टेस्ट करने के लिए, इनका हलवा कैसा है? बहुत गर्म है। तो भाई फाइनली हमारा चेक आ गया है, अब हम पे करते हैं और घर के लिए निकलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलिए तो हमारे तकरीबन लगे हैं 4400 रुपीज़ के आसपास, 4461 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज़।